देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपने स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पहचान छुपाकर दुकान ना खोले। कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले दुकानदारों को सख्त निर्देश, मच गया सियासी बवाल। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाली दुकानों के मालिकों को निर्देश दिया है कि वे अपनी दुकान पर दुकान का नाम बोर्ड जरूर लगाए। प्रशासन के इस सख्त निर्देश से सियासी बवाल शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए पूरी तैयारियां कर ली है। खुद सीएम योगी तैयारियों को लेकर लगातार निर्देश दे रहे हैं। इस बीच मुजफ्फरनगर प्रशासन के एक निर्देश पर विवाद हो गया। मुजफ्फरनगर में दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी पहचान के साथ दुकानदारी करें, यानी सभी दुकानदारों को अपनी दुकान का नाम बोर्ड लगाने के लिए कहा गया है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के रास्ते पर पड़ने वाले बहुत से मुस्लिम दुकानदारों ने बोर्ड लगाने शुरू कर दिए। इस फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी से लेकर महुआ मोहित्रा तक ने योगी सरकार को घेर लिया है। वहीं मुजफ्फरनगर के एसएसपी का कहना है कि यात्रा के दौरान किसी विवाद से बचने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के रास्ते में तमाम मुस्लिमों की दुकानें भी पड़ती है, जो फल, चाय, अन्य खाद्य सामग्री बेचते हैं। पुलिस यात्रा ने बंदोबस्त में लगी है और उन्हीं में से एक इंतजाम ये भी कि सभी मुस्लिम दुकानदारों को अपनी पहचान बताते हुए कारोबार करना होगा। बता दें कि हिंदू संगठन बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिम दुकानदार अपनी पहचान छिपाकर कारोबार कर रहे हैं। उनके मुताबिक कांवड़ियों के लिए जरूरी है कि वे जहाँ से सामान खरीदे उनका धर्म भी जान ले। कैमरे के सामने तकरीबन सभी दुकानदारों ने प्रशासन के फैसले को सही बताया। उनका कहना है कि रोजी रोटी देने वाला अल्लाह है, इसलिए इस फैसले से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आया है। मुजफ्फरनगर के दुकानदार प्रशासन का आदेश मानकर बोर्ड लगाना शुरू कर चुके हैं, लेकिन इस फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी से लेकर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोहित्रा ने यहां तक इस फैसले पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश के अनुसार अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम का बोर्ड लगाना होगा, ताकि कोई कांवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ ना खरीद ले। इसे दक्षिण अफ्रीका में थर्ड कहा जाता था और हिटलर की जर्मनी में इसका नाम जुडेन बायकॉट था। ओवैसी के साथ टीएमसी के सांसद महुआ मोहित्रा ने मुजफ्फरनगर प्रशासन के इस फैसले के को संविधान विरोधी बताते हुए लिखा कि आगे क्या मुसलमान अपनी पहचान के लिए अपनी आस्तीन पर स्टार ऑफ डेविड का निशान पहनेंगे। अगली बार जब कांवड़ियों या उनके परिवार को डॉक्टर या खून की आवश्यकता हो तो उनके इलाज के लिए दूसरी कांवड़ ढूंढ ले। यह पूरी तरह से अवैध और संविधान विरोधी है। माना जा रहा है कि संविधान प्रशासन के इस विरोध पर आगे भी सियासत हो सकती है। हालांकि कांवड़ यात्रा के रास्ते पर मौजूद दुकानदारों में से अधिकांश का कैमरे पर प्रशासन के फैसले पर किसी तरह का कोई भी विरोध नहीं जताया है। बता दें कि बुधवार को सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और कई जरूरी निर्देश दिए। मीटिंग के बाद सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा को लेकर लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार आस्था, परंपरा और विरासत के सम्मान और संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है। उसी क्रम में अटूट श्रद्धा और समर्पण के प्रतीक पावन कांवड़ यात्रा के सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक संचालन के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करके उनका अभिनंदन किया जाए। कांवड़ यात्रा के मार्गों पर साफ सफाई, बेहतर प्रकाश की व्यवस्था और सहायता शिविर लगाए जाए। साथ ही साथ मार्गों पर पेयजल और सिकंजी की भी व्यवस्था की जाए। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइंस न्यूज।